नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo K10 5G वर्सेस Moto G22 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो K10 5G में 2.96 इंच जबकि G22 4G में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो K10 5G में 0.31 इंच जबकि G22 4G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि K10 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो K10 5G में 190 ग्राम जबकि G22 4G में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो K10 5G में 20:1:9 जबकि G22 4G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो K10 5G में 6.56 इंचेस जबकि G22 4G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन K10 5G में 720x1612 और G22 4G में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो K10 5G में 84.46% जबकि G22 4G में 83.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो K10 5G में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि G22 4G में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो K10 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और G22 4G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो K10 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और G22 4G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो K10 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और G22 4G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो K10 5G में माली G57 MC2 जबकि G22 4G में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो K10 5G में MediaTek Dimensity 810MT6833 और G22 4G में MediaTek Helio G37 मिलता है। बात करें RAM की तो K10 5G में 8GB जबकि G22 4G में 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो K10 5G में 128GB जबकि G22 4G में 64GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो K10 5G में अप टू 1TB जबकि G22 4G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो K10 5G 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें G22 4G की तो वो 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
ओप्पो के 10 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें मोटो G22 4G की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में G22 4G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में K10 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A52 है, दूसरा शाओमी रेडमी नोट 10 है, तीसरा शाओमी रेडमी नोट 10 प्रो है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।